So, Mr. Mithaila, Guruji, you look like a Hitler. Sarbaraj. Why come inside? इससे अच्छी इंग्लिश तो मैं बोलता हूँ। ये गुरु की इंग्लिश है, तो बोलो गुरु। हाँ, ladies and gentlemen। अरे हिंदी में बोलो गुरु। अरे यार आज के जमाने में तो बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है, मैं क्यों नहीं बोल सकता? बोलिए बोलिए। अरे ये चोरों की मंडली है, यहाँ इंग्लिश कोई नहीं जानता। ठीक है हिंदी में बोलता हूँ। बोलो मिठाईला। हाँ गुरु। तुम जेल में कैसे आए? क्या कहूँ गुरु, एक कैबरे डांसर रोज मेरी दुकान पे मिठाई खरीदती थी, उधार चुकाने के लिए उसने मुझे पार्टी दी, पुलिस आई और मुझे पकड़ के अंदर कर दिया। अरे तुझे तो 3 बरस की सजा होनी चाहिए। समझा नहीं गुरु? अगर तुम उसी वक्त पुलिस को माल खिसका देते तो सारी रात कैबरे डांसर के साथ ऐश करते। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पकड़ो नहीं, मुझे नहीं पकड़ो, छोड़ो छोड़ो मुझे, मैंने होल्ड इट, क्यों दौड़ा रहे हैं? भैया मैंने खून नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ने के लिए कहिए, मुझे छोड़ने के लिए कहिए। चुप रहे, तुमने खून नहीं किया, ऐसा करने से तू बच जाएगा क्या? खूनी और ये मासूम लगता है, इससे खूनी कहेंगे तो बच्चा भी नहीं मानेगा। हाँ भैया मैं निर्दोष हूँ, मैंने खून नहीं किया। फांसी की सजा हो चुकी है, अब फरियाद करने से क्या फायदा, चल। अब मुझे छोड़ दो भैया, मुझे छोड़ दो। शिश, मेरा दावा है ये खूनी नहीं हो सकता। हाँ गुरु मुझे भी यही लगता है। तुम लोग इधर आओ। सर, कल भोर को फांसी होगी, उसकी आखिरी इच्छा क्या है पूछा तो उसने तुम दोनों से मिलने के लिए कहा। हमसे? मैं निर्दोष हूँ, लाख चिल्लाया कोई माना नहीं, इंस्पेक्टर वर्मा ने चाल चल कर मुझे खूनी करार करवा दिया, लेकिन आप दोनों ने मुझे देखते ही ये बात कही थी कि ये खून मैंने नहीं किया होगा। ये बात आपने बड़े भरोसे से बोली थी। खैर जो कुछ हुआ आपको सुनाने से मेरे मन का बोझ उतर जाएगा, उसके बाद तो फांसी होगी ही। बताओ क्या हुआ था, बेखौफ होके बोलो। होली के 2 दिन पहले छोटी बहन के साथ कपड़े खरीदने गया था। तो ये अच्छी नहीं है ना? और देख लो। भैया ये कैसी है? तुम्हें पसंद है ना? कीमती है ना? कोई बात नहीं, इसे पैक कर दीजिए। हेलो पेट जाना, चलोगे? लानत है, इसे भी अभी रुकना था। क्या बात है, कुछ गड़बड़ है? कुछ नहीं सर, थोड़ा धक्का देंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। पहले ही बोली थी ऑटो रिक्शा से चलेंगे, माने ही नहीं। अच्छा अच्छा तुम बैठो, मैं धक्का देता हूँ। चोर से मुझे एलर्जी है। मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो। Shut up. बिना किचकिए रोती हो? खूबसूरती को सभी चाहते और मैं भी, मैं तुम पर फिदा था, तुम्हारे पीछे पीछे भागा, तुम्हारा नखरा था, मगर तुमने मेरी बेइज्जती के सिवा कुछ नहीं किया। याद है उस दिन तुमने सरेआम मुझको क्या कहा था? मुझे नीच कहा था, इसलिए आज तुम्हें नीच काम करके दिखा दिया। तुमने मुझे जो बोला वो मैंने किया। शोर मत कर, कोई आने वाला नहीं, सिर्फ हम दोनों ही यहाँ। मैं तुम्हें बचाऊंगा और मैं तुम्हें ही रेप करूंगा, पहले रेप करूंगा अब फिर तुम्हें बचाऊंगा। छोड़ो मुझे, भगवान के लिए छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ
यहाँ छोड़ दिया। दरवाजा उतर। छोड़ दो मुझे, मुझे हैवान न बना, प्यार करते थे। हेलो, सुमन, बेटी सुमन। वो फॉरेन एक्सचेंज डील यानी डॉलर का हवाला हो गया? नो, अभी डॉलर महंगा है, बाद में करेंगे। पार्टनर, साझेदारी में ईमानदारी से चलने वाला दुनिया में एक ही धंधा है, स्मगलिंग। इसमें एग्रीमेंट नहीं चाहिए, टेंडर नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, बैंक गारंटी नहीं चाहिए। करोड़ों करोड़ों रुपयों का ये व्यापार सारी दुनिया में ब्लैक में होता है। इसका मतलब इस धंधे को करने वाले सब लोग हमारे जैसे काबिल, ईमानदार, जबान के पक्के होते हैं और पुलिस के साथ पूरी तरह तालमेल करके चलते हैं। वो तो ठीक है, मगर पुलिस अब सख्त हो गई है। जब नए अफसर या मंत्री आते हैं तो ऐसा ही होता है, बाद में सारे के सारे फिट हो जाते। पार्टनर, तुम्हारा भी जवाब नहीं। तुम दोनों यहीं रुको, मैं उसे मार पीट कर लाता हूँ। इंस्पेक्टर राणा महेंद्र साहब हैं? वो हाल में है। हाँ। आओ इंस्पेक्टर शर्मा। शायद तुम भूल रहे हो, शर्मा नहीं वर्मा। वर्मा या शर्मा ये सब छोड़ो, ये बताओ यहाँ आने की वजह क्या है? अभी मेरा यहाँ आने का मतलब है तुम्हारी शामत। सच? तुम जैसे लोगों से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? खैर बोलो। मिस्टर जयराम ये बताइए, मोहन सिंह कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। जब तुमने सुमन को रेप करके मार डाला तो फिर तुमने गवाह को क्यों छोड़ दिया? गवाह? कौन? वही टैक्सी ड्राइवर। इंस्पेक्टर, मैंने उसका जेब गरम कर दिया है, वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। बोल चुका है। ऐसा क्या? बिल्कुल, उस सुमन का भाई मनोहर ड्राइवर को मारते पीटते हुए पुलिस स्टेशन ले आया और तुम्हारे ड्राइवर ने पूरी कहानी मेरे सामने कह डाली। तुमने कंप्लेन ले लिया यानी एफआईआर दर्ज किया? क्यों करूंगा, ड्राइवर और मोहन को चालाकी से यहाँ ले आया। कहाँ कहाँ है? टेल मी। दोनों को मार डालूंगा। मोहन सिंह, जल्दबाजी नहीं, उनके मुंह पर पहले रुपया फेंको। छलबल की नीति अपनाओ, रुपए पैसे देखकर अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं, फिर उसकी क्या हस्ती। वो समझौता ना करे फिर तुम जो चाहे करना। आओ कमान इंस्पेक्टर शर्मा। नहीं वर्मा। मनोहर, ये है मिस्टर जयराम, मोहन सिंह के परिवार के मुखिया समझो, ये तुमसे बात करना चाहते हैं। बेटा आओ, आओ बेटा। बेटे, तुम्हें देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ, तुम्हारे साथ जो जुल्म हुआ उसे जानकर मेरा मन बहुत तड़प रहा है। उस खूनी को काट कर चील कौओं को खिला देना चाहिए, लेकिन इससे क्या फायदा। मरी हुई तुम्हारी बहन जिंदा नहीं हो सकती, उसकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। लेकिन सुनो बदमाश पाजी, उस कातिल को यूं ही नहीं छोड़ना चाहिए, उसे धमका कर रुपया पैसा वसूल करेंगे। कम से कम 2-4 लाख तो लेंगे ही। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी बहन के कातिल को फांसी होगी। अच्छा, आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं? रिश्वत? रिश्वत तो किसी मूर्ख आदमी की कभी बात है। इस देश में रिश्वत की परिभाषा क्या है तुम्हें नहीं मालूम? मंत्री पैसा लेता है अपनी पार्टी के लिए, एमएलए पैसा लेता है जनता के लिए, कॉलेज का प्रिंसिपल पैसा लेता है कॉलेज के डोनेशन, उसी तरह दुर्घटनाग्रस्त लोगों को पैसा देते हैं यानी कॉम्पेंसेशन। तुम्हें कितना कॉम्पेंसेशन चाहिए बोलो, 5 लाख दिलवा दूं तुम्हें?
मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए सिर्फ। अबे जो मिलता है लेके फूट जा, न्याय से क्या हासिल होगा? रास्कल, मैं मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो। क्यों रे? खून करके तू पैसे के बल पर बच जाएगा, अभी अरेस्ट करूंगा। अरेस्ट वारंट लाए हो? शाबाश। उसका ध्यान नहीं रहा। मनोहर, तुम दोनों पुलिस स्टेशन चलकर कंप्लेंट लिखवाओ, फिर तो इन सबको अरेस्ट कर लूंगा। चलो चल बे। रिश्वत में भी ईमानदारी है। ये इंस्पेक्टर नगेंद्र वर्मा मुफ्त में पैसा नहीं लेता, काम करके लेता है। मनोहर, तुम्हें जरा भी अकल नहीं? तुम फिक्र मत करो, वो बच नहीं पाएगा, उसे सजा दिलवाऊंगा, मैंने कहा था ना। मगर तुमने उस ड्राइवर का खून करके सारा केस बिगाड़ दिया। इंस्पेक्टर, ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर, तुम्हें खून करते हुए जिन्होंने देखा है, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। ये रहा अरेस्ट वारंट, अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर वर्मा, राणा महेंद्र, जयराम और मोहन सिंह ने मुझे खूनी साबित कर सजा दिलवाई। उसके बाद अपने माता पिता से मैं आज तक मिल नहीं पाया। अब बोलिए, मैं खूनी हूं क्या? नीति, न्याय और धर्म को मानने वाला कहलाता है हमारा देश, मगर न्याय कहां होता है? मैं कहता हूं तुम निर्दोष हो। जो गुनहगार है उसे सजा मिलेगी। जो निर्दोष है वो सजा भोग रहा है ना गुरु? इसे झूठी गवाही की वजह से ही कोर्ट ने सजा दी है। न्याय और धर्म को साक्षी मानकर कहता हूं कि यह निर्दोष है। तुम निरअपराध हो, छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। भैया, तुम्हारे बोलने से मैं रिहा हो जाऊंगा? अरे यार, हमारे गुरु भी कोई कम हस्ती नहीं है। हमारे गुरु जो कहेंगे वही करेंगे, वही करेंगे जो कहेंगे। अच्छा, अब क्या प्लान है? जरा धक धक कर लेता हूँ। धक धक क्या? बीड़ी, बीड़ी, बीड़ी। हाँ, कम है तेल शिष्य गुरु। फांसी की सजा वाले कैदी की तबीयत ठीक ना हो तो हाँ, इसे फांसी से बचाना है तो एक कानून का उपयोग करना ही होगा हमको। अच्छा, तो हमें क्या करना होगा गुरु? मनोहर का हाथ तोड़ दो। भैया, आज हाथ नहीं तोड़वाओगे तो कल जान खोदोगे। जान जरूरी है, हाथ जरूरी है, घबराओ मत। अभी तुम्हारा हाथ तोड़ा तो ठीक होने में सिर्फ 6 महीने लगेंगे। तब तक तुम्हें कानून में फांसी नहीं हो सकती, ये बात पक्की है। 10 दिनों बाद हम दोनों लोग इस जेल से रिहा होने वाले हैं। इस 6 महीने में हम दोनों असली गुनहगार को खोज कर उसे अंदर और तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, ये हमारा वादा रहा। अरे बाप रे, इंटरनेशनल लेवल का प्लान है गुरु, है ना? हाँ। देखो वो क्या कर रहा है। जरा ये घोड़े के रेस में जो शख्स लगा था, तेंदुलकर जरूर सेंचुरी मारेगा। मैं कहता हूं मैच ड्रा होगा। इंडिया ही जीतेगी चाहे तो 100। अरे इंडिया ही जीतेगी चाहे जितनी शर्त लगा लो। नहीं, कभी नहीं सर, मैं वाला नहीं। वो लोग क्रिकेट की बातें कर रहे हैं, बात करने में बिजी है ना? हाँ गुरु। हाँ ठीक है मनोहर, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ूंगा तो भयंकर दर्द होगा। अगर तुम्हारी आवाज बाहर गई तो समझ लो हम लोग तीनों गए काम से। हाँ शेष गुरु, मुंह बंद करो इसका। हाँ बैठो, डरो मत। ऊपर वाले मुझे माफ करना। ले जाओ, यहाँ ले जाओ। बहुत दर्द है। गिर पड़ा जिससे हाथ में चोट आ गई। जरा हाथ फैलाओ। मुश्किल है डॉक्टर, प्लीज। बोन फ्रैक्चर हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। जेल मैनुअल के मुताबिक इसे फांसी नहीं दे सकते। तुरंत एम्बुलेंस को फोन करो। यस सर। क्यों भाई, बहुत अकड़ रहे हो? यहाँ आते समय तो हाथ जोड़कर आते हैं, जेल से जाते समय हम अकड़ कर जाते हैं। हाँ। इस पर दस्तखत करो। अंगूठा चाप। बाहर जाकर शराफत से रहना। हाँ, बाहर वाला शराफत से रहने दे तो हम अंदर क्यों आए? ठीक कहा गुरु। हाँ? मुझे तो देखो, सर के बाल उखाड़ के नाक के नीचे लगा लिए हैं इसने। भागो। सब लोग इधर आओ।
म्युनिसिपैलिटी से अनुमति लिए बिना आप लोगों ने पानी की टंकी बना ली है, जिसे हम लोग तोड़ने के लिए आए हैं। ये अन्याय है, ये जुल्म है, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी ने भी डांग अड़ाई तो अरेस्ट कर लूंगा, तोड़ डालो। क्या हो रहा है? इस अन्याय को देखिए, आपकी बनाई हुई पानी की टंकी ये लोग तोड़ने जा रहे हैं। अरे सुनो, इस टंकी को तोड़ने के पहले मेरे ऊपर बुलडोजर चलाना होगा, फिर इस टंकी को तोड़ना। ऐसा यहाँ का कानून है क्या? अगर जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाने से हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इंस्पेक्टर साहब, यही शराफत है। इस टंकी को बनाने में हमने कितना कष्ट उठाया, कहाँ कहाँ चोरी नहीं की, उसके लिए 6 महीने की सजा भी होगी। इसे तोड़ेंगे तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सरकार नया टैंक बनाने की योजना बना चुकी है, फिर इसे तोड़ने से तुम्हें क्या तकलीफ? सिर्फ योजना ही है ना साहब, उसे बनाते बनाते हम दोनों की शादी हो जाएगी, पोते पोतियां भी हो जाएंगे, तब तक पानी के लिए कहां जाएंगे? देखिए, हमने बड़ी मुश्किल से इस टंकी को बनवाया है, हमारी तारीफ करने के बदले से तोड़ा तेरी तब। अगर ऐसा है तो 2 फूल माला खरीद कर इन दोनों को पहना के इनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। मजाक मत करो, परमिशन लिए बिना टंकी बनाई है, इसे तोड़ कर ही हम लोग जाएंगे। तोड़ दो, चलाओ बुलडोजर। इंस्पेक्टर साहब जरा इधर, ये है सही तरीका। मैं भी आऊं। अबे ये रुक। इंस्पेक्टर साहब, 5,000 रेड में दे दें आपको। वही ब्राई, 5,000 रिश्वत। अब क्या मुझे इतना चीप समझ रखा है? 10,000 चलेगा। सुनो भी, तुम दोनों को रिश्वत के केस में बुक करके अंदर डाल दूंगा। तो 15,000? नो। तो 20,000? नो नो। 25? बाप रे, तुम दोनों मिलकर इतना जोर डाल रहे हो भाई, साथ में बड़े अफसर भी तो हैं। उन्हें भी दे देंगे कुछ। उनका भी मिलाकर 50,000 होगा। इतना सारा रुपया कहाँ से लाओगे? इस बारे में आप क्यों चिंता करते हैं, 50,000 रुपए का चक्कर चला लेंगे हम। रुपया हासिल करते ही आपके घर पहुंचा देंगे, बेफिक्र रहिए। नो नो, घर में? ये सब घर में नहीं हो सकता, होटल अशोका में दे जाना, क्योंकि आजकल विजिलेंस वाले बहुत एक्टिव हो गए हैं। अंडरवेयर। अंडरस्टूड। आ चला। देखा, रिश्वत देने के पहले कंधे पर हाथ रख दिया। कोई बात नहीं, रखो रखो। सर, दे। यस सर। फॉलो मी। हम कौन है मालूम है? पुलिस वाले। आइए, मगर वो घर पे नहीं है। नहीं नहीं, हम मिलने नहीं आए हैं, बल्कि रेड मारने आए हैं हम। रेड? क्यों क्यों क्यों? साहब कौन है मालूम है? कौन है? जानकर होश उड़ जाएगा। बोलिए तो। कड़ा एबीसी ऑफिसर। एबीसी क्या? सीबीआई। हाँ, सीबीआई ऑफिसर। बैठिए। ओए, गेट अप। थोड़ी देर रुकिए, वो आ रहे होंगे। अभी वो आने वाले नहीं है। क्या? अभी वो अशोका होटल में है। क्या? मैं बता दूं, वो होटल अशोका में सरिता के साथ मौज मस्ती कर रहे हैं। सरिता यानी पराई लड़की के साथ मजे कर रहे हैं? वो होटल कहाँ है बताइए, मैं अभी जाकर उनकी खबर लेती हूँ। हाय, उस चुड़ैल में से क्या है जो उसके पीछे पड़े हैं? मैं क्या जानूं, वो सरिता से पूछो जाकर। हाँ मैडम, वो सरिता के साथ इश्क कर रहे हैं। अरे गुरु, हमें इनके प्रॉब्लम से क्या, हमें अपना काम करना है। ए, स्टार्ट सर। ओके सर। स्टार्ट। ओ सर, अंडरवेयर। यस सर। तुम लोगों को इसलिए तो सेटअप किया, जाओ जल्दी। अरे अरे सुनिए तो, मैंने कहा ओपन। नथिंग। क्लोजिंग। कमिंग। साहब जी, साहब जी, ये तो कहो, हमारे घर क्यों रेड मार रहे हो? तुम्हारे पति ने इसके अंदर है? नहीं, रिश्वत लिया उन्होंने, ऐसी रिपोर्ट मिली है। रिश्वत? हाँ। राम रे राम रे राम, झूठ, बिल्कुल झूठ। हाँ, रिश्वत लिया या नहीं ये तो सच के बाद मालूम होगा। ओपन। यस सर। साहब जी, बड़े साहब जी, ये तो मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं, पुरानी है। देखिए सुनिए, सर्च करते हुए झंझट मत कीजिए और बोलिए भी मत। मैं तो बस यूं ही, अगर बहुत बकेंगे तो माइक नीचे रख दूंगा। माइक? भाषण देने वाले हो क्या? माइक से पहले भाषण देते थे, माइक से मारते हैं आजकल। ओपन ओपन ओपन। अरे 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 साहब जी, नहीं नहीं नहीं, देख लिया, कुछ भी नहीं है। ये कौन है जो चुपचाप लटक रही है? ये मेरी सासू माँ है।
सासू माँ कहीं मिला हूँ? अभी तो मिले हैं ना। अरे नहीं नहीं नहीं, फोटो नहीं उठाना, फोटो नहीं उठाना प्लीज। ज्यादा बकवास की तो फिर माइक लगा दूंगा। माइक माइक कह के क्यों डरा रहे हो भाई? ये स्विच स्विच हाँ, ये किस फैन का स्विच है? स्विच फैन फैन स्विच फैन नो फैन वाई स्विच उस फैन का ये स्विच ये ये बहुत गर्मी लग रही है। बहुत गर्मी नहीं 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 ये तुम्हारे मायके का है? तो क्या तुम्हारे मायके का है? क्या बोलती है ये? ये मेरा घर है। चाबी चाबी उनके पास है। उसके किसके पास? मेरे पति के पास है। वो तो सीता के साथ पड़ा हुआ है। ए चाबी 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 नहीं नहीं चाबी ये चाबी इसकी नहीं है। ये किसकी है अभी मालूम हो जाएगा। बाप रे कुबेर का खजाना। ये सब मेरे मायके की दौलत है। हाँ। अब तुम्हारे पिताजी क्या कोई मंत्री हैं? सब सीज कर लो। ठहरो ठहरो ठहरो, हम अपने बीच कुछ सेटल कर लेते हैं। सेटल क्या कर रहा है? हट। सेटल मतलब समझौता। समझौता देखो, तुम लोग पुलिस वाले हो, मेरे पति भी पुलिस वाले हैं, हम दोनों एक ही विभाग के हैं, तो आपस में ये लड़ाई कैसे? हाँ देखो, थोड़ा बहुत तुम ले जाओ और बाकी सारे का सारा हमारे लिए रख दो। देखिए ये हमें रिश्वत दे रही है। क्या कहा? रिश्वत? अपने पति के माफिक हमें भी भ्रष्ट समझा है क्या? हम क्राइम से दूर रहकर नीति और न्याय को भूलते नहीं। हमारा लक्ष्य, हमारा उसूल, हमारा रास्ता, सब कुछ जॉन्डिस्ट है। अरे यार जॉन्डिस्ट नहीं, जस्टिस मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो आप? जल्दी आओ, सीज करो सब कुछ। चलिए चलिए मैडम, चलिए। कैश कितना हुआ? 12,08,300 रुपया है सर। बाप रे बाप। मैडम इस पे आपको साइन करना होगा। साइन करना पड़ेगा? क्यों? तुम्हारे बंगले से जेवरात और ये तमाम रुपए मिले हैं। उसका पूरा पूरा लिस्ट बनाया है। ये सब तुम्हारे पति ने जनता को, सरकार को धोखा देकर रिश्वत में लिया हुआ धन है, इसमें ऐसा लिखा है। ये झूठ नहीं सच है, तुम साइन करो। मुझको साइन करना पड़ेगा? हाँ भैया, हम सब तो एक ही है न, एक ही खानदान और एक ही पार्टी के हैं, ऐसा बोलकर दुनिया को हम धोखा नहीं देते। शराफत से साइन करो। चलो मैं अपने पति की अनुमति के बिना साइन नहीं करूंगी। तो तुम साइन नहीं करो। कांस्टेबल हम क्या करेंगे ये बताओ। मैडम के हाथ में हथकड़ी लगाकर गली गली में घुमाते हुए पुलिस स्टेशन ले चलेंगे, और क्या। अरे भाई गुस्से में आकर तुरंत फैसला मत करो। ऐसे समय में वो पापी सरिता के साथ मौज उड़ा रहा है। लॉक कर दिया साइन। हाँ तो साथियों, दो नंबर का सारा माल, नेकलेस, टीका, झुमका, पायल, सोना, चांदी ठीक से बटोर कर पैक करो। गया गया मेरा माल। रुपया रुपया रुपया, क्यों भाई इतना रुपया कहाँ से मिला? इसकी चिंता मत कीजिए, आपका ही माल है। ब्लैक मनी है कि व्हाइट मनी? रेड मनी। ये क्या भाई, रेड मनी? रेड मनी। गरीबों के खून की कमाई को जब तुम जैसे अधिकारी कानून की धौंस दिखाकर छीन लेते हैं ना, उसी पैसे का नाम है रेड मनी, समझे? कमाल है भाई, तुमने तो रुपयों को नया रंग रूप दे दिया। मेरी बात सुनिए, आपने जितना मांगा था उससे ज्यादा दे दिया, अब हमें परेशान मत कीजिएगा, समझे आप? सुनो यार, रुपया जब तक नहीं लेता तब तक मैं नाग वर्मा हूँ, रुपया लेते ही मैं नगेंद्र वर्मा। ठीक है, तुम्हारे मामले में हम टांग नहीं अड़ाएंगे। छोटा सा पैक पियोगे? शबाब के साथ शराब हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम मुझे लड़कियों का दलाल भी बना दोगे? तुम जाओ मेरे बाप। प्रणाम। चलता हूँ शर्मा। फिर वही शर्मा। ए रुपिया, ये देख दौलत, रुपियों का ढेर। देख लिया ना, तुमने मुझे दरिद्र कहा था, लेकिन मेरे आते ही तुम्हारे भाग कैसे खुल गए। अरे अरे इतनी रिश्वत, मोती का हार। हाँ मोती का हार, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। अजी इस नेकलेस को तुमने पहचाना नहीं? नहीं तो? इसी शराब की दुकान वाले ने रिश्वत में तुम्हें दिया था। ए इधर आओ। अरे चोर बदमाशों, मेरे घर से चुरा कर मुझे ही रिश्वत दी। अरे मेरा डिपार्टमेंट पहले ही मुझ पर निगाह रख रहा है, ऊपर से तुम दोनों मुझे फांसने की कोशिश कर रहे हो। मार मार के हड्डियां तोड़ दूंगा। अरे मैं बोल रहा हूँ, और तुम दोनों मेहमान की तरह पैर पर पैर रखकर आराम से सुन रहे हो। पैर बदल दिया तो छोड़ दूंगा, अभी तुरंत 420 में बुक करके मारते पीटते हुए तुम दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, तब पता चलेगा। अबे चुप। ये क्या, ये क्या कर रहे हो? मंत्र पढ़ रहे हो?
ये सब क्या है? सब लोग पीला नोटिस देते हैं, तुम मुझे लाल नोटिस दे रहे हो। चुपचाप पढ़ो बेटा। बेटा बोला फिर क्या ससुर बोलूं? ये उससे भी खराब है। सारी दौलत मेरे पति ने जनता और सरकार को धोखा देकर रिश्वत में लेकर जमा किया है, ये मैं पूरे होश आवाज में कबूल करके लिख रही हूँ। एन कल्याणी, अच्छी लिखावट है एन कल्याणी। हाँ, अब क्या करोगे? तक दिना दिन जवाब दो। अब क्या करोगे? तक दिना दिन। यहाँ तो पिंटर को मारा। ये कोई जादू मंत्र है क्या? ये जेरोक्स है, इसके मैंने 100 कॉपी और बनवाए हैं। असली बैंक के जैकेट में, जैकेट नहीं लॉकर में। अब क्या करोगे? तक दिना दिन दिन जवाब दो। तक दिना दिन दिन फंस गया तुम दोनों। मुझे दबा रहे हो, मेरी पोजीशन का क्या होगा? सैल्यूट तक नहीं दे पाऊंगा। क्यों भाई मुझे ब्लैकमेल करते हो? घोड़े को वश में करने के लिए तगड़ा लगाम लगाना पड़ता है, और फिर तुम तो पागल घोड़े हो। तुम्हारी लगाम तो वो बिल है। प्यारे चाहो तो और दो चार पानी की टंकियां बना लो, मुझे रिश्वत नहीं चाहिए। लॉकर में मेरी बीवी का लिखा हुआ लेटर है ना, वही मुझको वापस दे दो भाई। इतने छोटे से काम के लिए थोड़े ही मैंने तुम्हारी बीवी से इतना बड़ा लेटर लिखवा के रखा है। उस लेटर से अभी बहुत सारे काम करवाने हैं मुझे। ये सब पूरा होते ही बैंक के जैकेट से, जैकेट नहीं लॉकर, हाँ लॉकर से असली लेटर निकाल के दे दूंगा। तुम्हारी जरूरत पड़ने पर तुम्हें बुला लूंगा। अभी मेरा काम नहीं। काम नहीं, गेट आउट। गेट आउट। समय तुम्हारे साथ है। क्या बात है? समय सर। जाता हूँ। दरवाजा इधर है। देख कर। ये वर्मा तो अपना पालतू कुत्ता बन गया एकदम। शिष्य गुरु, दिस इज ओपनिंग, यू सी एंडिंग। कुछ साफ दिखाई नहीं देता। होटल में चलोगे? मैंने नाश्ता कर लिया। वो नहीं, ऐश करने। मैं कुछ समझा नहीं। सिर्फ 5 रुपए दो। क्या क्या कहना चाहती हैं आप? मौज मस्ती करनी यार। ओ वो क्या। मेरी ट्यूबलाइट जरा स्लो है। इधर सुनो, मैं पैसा वाला नहीं हूँ, फिर शादीशुदा भी हूँ। मैं तुम्हें होटल जाने के लिए दूसरा मार्ग खोज के देता हूँ। मेरे बदन पे हाथ मत रखो। मैं कौन हूँ मालूम? पुलिस से पकड़वा दूंगा तुम्हें। ए, पैसा तो आओ, नहीं तो दफा हो जाओ। चिल्लाते क्यों हो? मेरे पास पैसा नहीं है, देखो। अपने पास ये रख। तू भी कोई औरत है? ए, ऐसी बात मत कर, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्या करेगी? इसे पकड़। पकड़ दिया। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, देखो मेरा बैग लेके भाग रहा है। चोर चोर पकड़ो। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? देखिए ये आदमी मेरा बैग लेकर भाग रहा था। यहाँ क्या हंगामा हो रहा है? हाँ? अच्छा हुआ पापी इंस्पेक्टर, ये आदमी मेरा बैग छीनकर भाग रहा था। इंस्पेक्टर तुम बोलो। मैडम बोलो। ये बदमाश मेरे पास आकर बोला खंडाला चलती क्या? मैं खामोश रही तो इसने मेरा बैग छीन लिया। झूठ बोल रही है। जीप में बैठो। इसी ने बुलाया मुझे। ये मुझे मालूम है, चलो बैठो। मैं अच्छा इंसान हूँ, साफ दिलवा। पुलिस स्टेशन में बोलना। गले लगा लिया मुसीबत। आगे नहीं पीछे बैठ। टपोरी चल पीछे, चल चल बैठ जा पीछे। भैया भैया क्या हुआ? गुरु कहाँ है? गुरु कहाँ है? कौन गुरु? गुरु मेरे प्यारे। गुरु। एक दो तीन छह सात आठ, यहाँ सलाखे गिन रहा हूँ बैठ के। आए, मेरे गुरु को क्यों बन किया आपने? बाहर पता चला तो क्या होगा मालूम है? शट अप, हंगामा मत करो। उसने इन मैडम से कहा खंडाला चलती क्या? खंडाला? अरे मैंने कुछ नहीं कहा। इससे पूछे इसने क्या किया मेरे साथ? क्या किया? बिल्कुल, मेरा दिया हुआ 500 रुपया इसके बैग में है। नहीं नहीं,
ये मेरा रुपया है। तुम्हारा है? इसे देखिए, इस चिट में लिखा नंबर, इस औरत के हैंडबैग में जो 500 रुपए हैं, उसका नंबर और इसका नंबर एक जैसा है। जरा बैग दो। नहीं, ये मेरे रुपए हैं। ए, चुपचाप दे दो वरना। रुपए दो मुझे। चल दो। आखिर सच्चाई की जीत होती है। बिल्कुल सत्य कहा गुरु। तुम एक औरत हो? कांस्टेबल, इस औरत को अंदर डालो और इन साहब को छोड़ दो। साजिश है। ओपन मैम, ओपन। तू चल अंदर। मैंने अपने जीवन में कभी जेल देखी ही नहीं थी। देखोगे भी नहीं। मेरे परिवार की मान मर्यादा सब लुट गई। I'm so sorry. Thank you. आजकल हम मर्दों का रोड पे हिम्मत से चलना मुश्किल हो गया है। औरतें इतनी बिगड़ गई हैं कि। मगर आप वैसी नहीं हैं। गुरु, चलो। एक मिनट, मैं कुछ भूल गया हूँ लगता है। उससे कुछ तो जरूर भूल गया हूँ। बहुत खूबसूरत हैं। गुरु, दिन पे दिन बीत रहे हैं। मनोहर का हार्ट ठीक हो रहा होगा। उसके ठीक होते ही उसको फांसी पे चढ़ा देंगे। उसके पहले हमें हर हाल में मोहन सिंह को पकड़कर उसका 12 बजाना ही पड़ेगा, तभी वो सारी सच्ची बातें उगलेगा। अच्छा आइडिया है। हाँ, अच्छा आइडिया है। वरना वो लोग हमारा ही 12 बजा देंगे। गुरु, फुटपाथी और बंगले वालों से आमने सामने की दुश्मनी कभी मत करो। करो तो संभल कर करो, नहीं तो फंस जाओगे। हाँ, फिर मनोहर को कैसे बाहर निकालेंगे? मोहन सिंह को अपने कब्जे में लाना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? राणा महेंद्र सिंह की सिर्फ एक ही लड़की है, नाम है चित्रा। हाँ, उसे तुम्हें लव करना पड़ेगा। हाँ, क्या क्या गलत कर दिया मैंने? लव का मतलब प्यारी होता है ना? एकदम। हाँ, तो फिर तुम्हें वही करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन वो कैसी होगी? अगर राजकुमारी जैसी, जापानी गुड़िया जैसी चिकनी। फिर उस चिकनी से तुम ही प्यार कर लो ना। शेष गुरु, मेरी परसों ही एक चिकनी से फाइट हो चुकी है। फाइट? अरे वही जो आजकल लड़के लड़कियों को लाइन मारते हैं ना। साइट क्या? गुरु, मुझे बताया नहीं। मैंने मारी, अभी तक उसने नहीं मारी। नहीं मारी। वो साइट देगी तो तुम्हें बोलूंगा। हाँ, अभी तुम चित्रा से प्यार का नाटक शुरू कर दो। मालूम है ना कैसे? बिल्कुल ऐसे। अच्छा अच्छा, मैं चित्रा से प्यार करूं तो क्या फायदा बताओ? अपने ट्यूबलाइट जला। हाँ, आइडिया आएगा। हाँ, बेवकूफ। हाँ, धीरे धीरे समझता है, जब आइडिया आता है तब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, गुरु, जिसको साइट मार रहे हो, हाँ, वो छोकरी कौन है? चल रोड पे। शर्माओ मत, बोलो ना। क्या बताऊं? शर्माओ मत, नाम बोलो ना। लेते ही मुझे बहुत शर्म आती है। क्या बताऊं? साइट मार सकते हो, फिर बोलने में क्या शर्म है बताओ? हाँ, छड़ी लेकर घूमती है। छड़ी लेकर? ए गुरु, तुम तो एकदम छुपे रुस्तम निकले। शेष गुरु, ये किसका घोड़ा है मालूम है? नहीं मालूम। ये एमडी का रेस हॉर्स है। एमडी यानी माधुरी दीक्षित का? हाँ, सैकड़ों रेस अब तक जीत चुका है मालूम है। ठीक है, मगर मुझे क्यों इस पर बिठा रखा है? वो छोकरी है ना चित्रा। हाँ, हर दिन इसी रोड से हॉर्स ड्राइविंग करती है। राइडिंग करती है? मैं तो गधा, हाथी, घोड़ा सबकी ड्राइविंग जानता हूँ। वेरी गुड। तुम्हें कार ड्राइविंग नहीं आती? नहीं, आती है। ठीक है, चित्रा अभी घोड़े पर आएगी, मैं तुरंत कुछ पटाखों को फोड़ दूंगा। फिर उसका घोड़ा सुपर फास्ट स्पीड से दौड़ पड़ेगा। हाँ, जरूर दौड़ेगा एकदम। अपना घोड़ा गन के माफिक उसके पीछे दौड़ाना, बिल्कुल उसी तरह जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन को बचाता है, ठीक उसी तरह तुम उसे बचाना। फिर वो छोकरी तुमसे फाइट करेगी। फाइट नहीं, साइट मारेगी। हाँ, साइट बनेगी। फिर प्यार की बिजली चमकेगी। आ गई। ओ, उसका घोड़ा पैसे की तरह खड़ा है और अपना घोड़ा बुलेट की तरह निकल गया। क्या करूं? ओ, ये तो हाथ एकदम से बर्बाद हो गया। गुरु, गुरु का गुरु, गुरु बचा, गुरु बचा, कोई तो बचा मुझे। अरे गुरु, गुरु, गुरु बचा, बचा मुझे।
बाप रे बाप। ए मिस्टर, इधर आओ। क्यों जी, आप मुझे बचाने आई हैं? मैं तुम्हें बचाने नहीं आई। क्यों फटाका फोड़ा तुमने? मैंने नहीं। फिर? मैंने नहीं फोड़ा। तुम्हारे इन फटाकों से न मैं डरूंगी न मेरा घोड़ा डरेगा। मैं समझ गया। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? इधर आओ बता। अच्छा अच्छा अभी आया। बाप रे, गुरु गुरु। शिष्य, प्यारे शिष्य। क्या हो गया बेटा? इस मैडम के घोड़े का हॉर्स पावर कुछ मेरी समझ में नहीं आया। तुम्हारे पटाखे फोड़ते ही वो रुक गया और मेरा वाला दौड़ गया। अबे ना कटवा दी, वो तेरा वाला है ना, गधा है, बारात में जाने वाला घोड़ा है वो। एकदम ठीक गुरु, उसका नाम पूछा तो मेरा जबड़ा हिला दिया। बाप रे। अबे प्यार पहले पहले तकरार से ही शुरू होता है, उसके बाद धीरे धीरे ही फलता फूलता है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। यस। आप यहाँ कैसे? ये मेरा घर है। तो वो नगेंद्र वर्मा मेरे डैडी हैं। एक घर में दो इंस्पेक्टर? सही बात है, बैठिए। आपका कैसे आना हुआ? मैं वो तुम हमारे घर में? नगेंद्र वर्मा, आपके वाटर नहीं डॉटर। हाँ, डॉटर ने मुझको अंदर ठूस दिया। अच्छा काम किया। तुम्हारी बेटी मुझे नहीं जानती, मैं कौन हूँ बता दो इसे। आप कौन? सीबीआई ऑफिसर। हाँ एकदम सही कहा, आप बड़े सीबीआई ऑफिसर हैं। सीबीआई ऑफिसर? या उस दिन तो मुझे कैसे बताएंगे बेटी, सीबीआई ऑफिसर तो काम करते हैं चुपचाप। डैडी, कामत क्लब में आजकल जुआ चल रहा है, ऐसी रिपोर्ट मिली है, मैं वहीं जा रही हूँ। संभल कर बेटी, गुंडे बदमाशों का अड्डा है वो क्लब। एक्सक्यूज मी। यस किस मी? बाप रे, यस किस मी नहीं, एक्सक्यूज मी। ओह बेटा, ये लाल सर्टिफिकेट जेब में रखो या फ्रेम में डालकर घर में रखो। लो रख लिया, अच्छी जगह है। कहाँ? ओह दोबारा फंस गया। अजी किससे बातें कर रहे हैं? हाँ साहब से, वो अपने लगता है कहीं हम मिल चुके हैं। अरे हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं। मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ। हाँ हाँ सीबीआई ऑफिसर। अजी इतने बड़े सीबीआई ऑफिसर से जो खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, तुम्हें जरा भी अकल नहीं है। ठीक बोलती है। सर चलिए चलिए, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। क्या खाएंगे? हलवा पकौड़े बनाऊं गरमा गरम? अरे वो क्या लड़की देखने आए हैं? क्यों, हलवा पूरी मैं नहीं खा सकता? और नहीं तो? सब कुछ खाएंगे, तुम लेकर आओ। चाय में थोड़ी इलायची डाल के बनाऊंगी। मम्मी? मम्मी नहीं, आंटी। आंटी आप चाय में थोड़ी अदरक भी डाल दीजिएगा, उसमें थोड़ा हल्दी जीरा भी डाल देना। हाय रे हाय, क्या मोरनी जैसी चाल है। अरे बाप, तुम्हें क्या चाहिए, बार बार ये दिखा के हमें धमकी देते हो। मिस्टर नगेंद्र वर्मा, अब जरूर कोई मुसीबत आई। राणा महेंद्र के भाई मोहन सिंह को कोई बॉडीगार्ड चाहिए ऐसा सुना है। ये नौकरी मुझे चाहिए, इसमें तुम्हारी मदद चाहिए हमें। मतलब जैसे मैं तुम्हारे हाथों में फंस चुका हूँ वैसे ही उसे फंसाओगे? सो पहले इंग्लिश बोलना सीखो। आई वॉन्ट नो No or yes? No. Yes. 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 ये लेटर भी क्या भला है। Hands up. कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। मैडम, मैं कौन हो जानती हो? तुम ही इस क्लब के मालिक हो? मेरे हस्ते को नहीं जानती। तुम कौन हो ये जाने की जरूरत नहीं। इन सबको अरेस्ट करके वैन में बिठाओ। Yes, मैडम। अरेस्ट करोगी? अरेस्ट करने के लिए 36 का सीना चाहिए। तुम बहुत हसीन हो मेरी जान, लेकिन ये इंस्पेक्टर की वर्दी तुम पर ठीक नहीं। इसे उतार दूं मैं? उतारोगे? उतार। उतारना आसान है, पहनाना आसान नहीं। तोड़ना आसान है, जोड़ना आसान नहीं। बर्बाद करना आसान है, आबाद करना आसान नहीं। दुशासन जहां होगा कृष्ण भी वहीं होंगे।
सर्कस। जब उस ऑफिसर का कपड़ा उतारेगा, उतार पाएगा? तुम सबकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। सब कुछ हो जाने के बाद क्यों चिल्ला रहे हो? ले जाओ इन्हें। यस मैडम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड हेल्प सर। आई रियली अप्रिशिएट योर करेज एंड मैनलीनेस। या आई थिंक यू आर सुपर सुपरमैन। या आई नेवर बिफोर मेट एन एफिशिएंट ऑफिसर लाइक यू। इफ होल पुलिस डिपार्टमेंट हैव मोर मेन लाइक यू, दिस कंट्री विल बी अ मोर सेफ एंड फार मोर पीसफुल प्लेस टू लिव इन। ओह नो नो। आर यू ऑलराइट? यस। ओह नो नो। आई वुड लाइक टू इनवाइट यू होम सम टाइम। Yeah. I know you're a very busy man. Yeah. But please do drop in whenever you find time. Yeah. You're very smart. Oh, yeah. Why don't you say something? Say something. Something? Kya bolun ise? Yeah. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Ah, ha, ha, ha. Twinkle, twinkle, little star. मैडम थोड़ा रुकिए। हेलो, अपना नाम तो बताइए। क्यों बताऊं? बुलाने के लिए। कभी नहीं बताऊंगी तुमको। अरे फिर कहो किस नाम से बुलाऊं? जूही, माधुरी, काजल, करिश्मा, तब्बू, किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती है। ओ, मुझे मस्का मत लगाओ। मैं तुमसे जितना दूर होती हूँ तुम उतने करीब आते हो। मुझे तुम्हारी यादा पसंद आई तो आओ बगल में। क्या करेंगे? लव करेंगे। मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट देने वाली। ऐसी बात है? उधर चलो, देती हूँ। आओ आओ। अरे बढ़िया जगह है ये। तुम कुछ प्रेजेंट देने वाली थी ना मुझको, तुम दोगी या मैं दे दूँ? ऐसी क्या जल्दी है? मगर नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम? हाँ? वो लोग बताएंगे। तुम्हारे बॉडीगार्ड सही है? मुझे मारने का प्लान है क्या? हेलो काम। आओ, यही है। नागेंद्र वर्मा सर, एक बॉडीगार्ड चाहिए था ना, आज ही उसे ले आया हूँ।
बर्मा, चीन, सिलोन, जापान में भी नहीं मिलेगा आपको। उधर देखिए, दिल्ली के चांदनी चौक का मालिश वाला जैसा लग रहा है। वेरी गुड। हाँ, कैसा है? इसके पहले कहाँ काम किया है? सेंट्रल जेल। घबराइए नहीं। मैं घबराता नहीं। जेल में वार्डन था ये। हाँ पहलवान जी, एक ही समय में कितनों को मारोगे, कैसे मारोगे? आप तो घबरा गए। मैं घबराया नहीं। ये तो सैंपल है, फलों की दुकान में जैसे फ्री सैंपल मांगते हैं ना, उसी माफी किसका मारना जो एक फ्री स्टाइल है। बापरे, क्यों भाई, मेरा मुक्का कैसे लगा? फौलादी मुक्का है ना, नागेंद्र वर्मा, ये इंसान नहीं बजरंग बली है। वेरी गुड। अच्छा स्ट्रांग आदमी लाए मेरे पास, मेरे जैसा ही है। ब्रदर, तुम्हारा नाम क्या है? अमर अकबर एंथनी। लगता है चलता फिरता इंडिया हो, इसलिए तुमने ऐसा मिक्स नाम रखा है। अंकल अंकल अंकल, गजब हो गया। तुम्हारे भेजे हुए पहलवान थे ना, वो सब के सब बेकार और निकम्मे निकले। उस बाबू ने उन सब की खूब धुलाई की। तुम परवाह मत करो बेटी, मैंने एक वीर को रख लिया है, नहीं बजरंग बली को रख लिया है, जो उस बाबू को मसल कर रख देगा। अच्छा ये बाबू कौन है? वही वही बनारसी बाबू। बाबू कैसा है? पंडित हो या पठान, सबको ठिकाने लगा देता हूं। उस गुंडे को ये पीटते हुए लाएगा। ऐसा क्या? आप लोग यहाँ रुकिए, मैं उसे तुरंत लाया। हमें तुम जैसे की बहुत जरूरत है। यस किस मी। यस किस मी। यानी एक्सक्यूज मी। टूटी फूटी इंग्लिश बोल गया। जो समझाया वो याद है ना? चिंता मत करो गुरु, सब कुछ सेट कर दूंगा। या। बस ये है वो बनारसी बाबू, दो हाथ मारा तो सरेंडर हो गया। मेरे आदमी को देखा, पार्सल की तरह सील करके ले आया। एकदम जोकर समझा था। चित्रा कैसा है? अमर अकबर एंथनी। ए मिस्टर, मेरे साथ बदतमीजी करने का अंजाम क्या होगा समझ गया ना? ए बाबू, इस पिस्तौल को देखा ना, चलाऊंगा तो मर जाओगे। जल्दी चित्रा का पैर पकड़कर माफी मांगो। या। ए, उसका हाथ क्यों खोलते हो? पैर पकड़ के माफी मांगेगा ना बस, इसीलिए खोल रहा हूँ। ठीक बात बोला। ए, अगर कोई पास आया तो गोली मार, ये नहीं बचेगी। एंथनी, भाई बस, तुम्हारी चीखों से डरकर मुझे ना गोली मार दे। क्यों रे अंकल टंकल, माफी मांगने को बोला था ना मुझे? चलो अंदर, पूरी तरह लेट कर माफी मांगूंगा तुमसे। पास आया तो गोली मार दूंगा। चुप, चल। अरे चल। चाकू से लड़ने को बोला तो चिल्ला चिल्ला कर जान सुखा दी। क्यों भाई, ये सब क्यों रखा है? इस्तेमाल नहीं करता। ये मेरा नहीं, ब्रूसली का है। ये उसने तुम्हें दिया है क्या? है? आपने क्यों पिस्तौल निकाला? जेब में थी इसलिए निकाल लिया। उसके हाथ में पिस्तौल नहीं होता तो? चुप रहो, चीखो मत, गोली ना मार दे। बदकिस्मती से पिस्तौल घर में छोड़ दी। अरे चुप, मेरे पास काम करने वाले ऐसे ही हैं। हे भगवान, चित्रा को कुछ ना हो। देखो मुझे कुछ मत करना प्लीज। घबराओ मत, तुमने मुझे ठीक से समझा नहीं। तुम्हें पहली बार देखते ही मेरा दिल तुम पे फिदा हो गया। तुम मुझे गुंडों से पिटवाओ या अपने चाचा से बोलकर मेरा खून करवाओ, मैं मरने के लिए तैयार हूं, क्योंकि तुम्हें अब भूल नहीं सकता मैं। अभी संदेह है तो ये लो पिस्तौल, पराए के हाथों मरने से तो अच्छा है कि तुम्हारे हाथों मरकर सुकून पाऊं। शूट मी, मारो। तुम्हारी यादों में मरमर कर क्यों जीऊं? तुम मार दोगी तो मैं खुशी से मर जाऊंगा। गो अहेड, शूट मी। क्यों खामोश हो तुम? सच में अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो अभी तक तुम मुझे गोली मार देती। क्यों नहीं मारा? आई लव यू, आई लव यू आई सेड। आई लव यू। तुम नाम पूछने पर मारती हो, नाम पूछने से डर लगता है। मेरा नाम चित्रा। चित्रा। चित्रा, बाहर सब लोग हमारी राह देख रहे हैं, जैसा बोलता हूँ वैसा ही करो। ओके
सुनो। जोर से चिल्ला। और जोर से। अंदर से मारने की आवाज आ रही है ना, बहुत मार रहा है मेरी बेटी को अंटोनी। तुम चीख चीख कर मुझे डरा कर मार डालोगे, कुछ करना होगा। बॉस तुम्हारी भतीजी मर भी गई तो परवाह नहीं, उस बदमाश को मैं छोड़ूंगा। चुप रहो बदमाश, अगर वो मर गई फिर भैया को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। क्यों बाबू, तुमने पिस्तौल के बल पे सबको डरा रखा है। चुप। एंथनी, इसके ऑर्डर देने पर तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं बोलता हूँ इसे मारो। नहीं मैं मारूंगा नहीं, मेरा बॉस है। अब मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुमने उसे नहीं मारा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। मैं नहीं मारूंगा। दया करके मारो मुझे, मैं आपको नहीं मार सकता। प्लीज मारो मुझे। गोली मारे कोई परवाह नहीं, मैं नहीं मारूंगा। मरने से तुम्हारा खाना ही अच्छा है अंटोनी, तुम्हारी वजह से मेरा खून हो जाएगा। आप मेरे बॉस है, मैं कैसे मारूं? बॉस जरूरी है या बॉस की जान जरूरी है? बॉस की जान जरूरी है तो बोल रहा हूँ मारो। बिना फिक्र के मारो मारो। गुड, नेक्स्ट। ए एंथनी, जैसे तुमने मुझे मारा उसी फ्री स्टाइल में इसको मारो, नहीं तो गोली मार दूंगा। ओके सॉरी। ओके पैर तोड़, नाक तोड़। अरे बाप रे, वो एक बोलता है तो तुम दो मारते हो। एंथनी, तुमने मुझे कैसे मारा था? उड़ उड़ के मारा था। उसी तरह इसे भी मारो। देखो, अरे तुम कहाँ हो? उड़ उड़ के मारूंगा। मारो भाई। दूसरी के स्टाइल से मारोगे? बस बस बस, ए छोकरी, मुझसे टकराने का नतीजा देख लिया ना? कोई आया तो गोली मार दूंगा, शूट कर दूंगा, सबको शूट कर दूंगा। बस क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं, आप पर हाथ उठाया, इसके बाद मुझे काम पर रखेंगे या निकालेंगे, ये डर है मुझको। मुझे मारा फिर भी हाँ तुम्हें रखूंगा रखूंगा, मगर अंटोनी जगह खोज कर तुमने तभी ऐसे मारा। थोड़ा चूना हल्दी लगा दूं? नहीं, तुम धीरे से हाथ रखोगे पर दर्द होगा बहुत। बॉस, यस किस मी। तुम्हें किस नहीं कर सकता, मार कर मुंह तोड़ दिया। मनु अब हाथ ठीक है ना? अब ठीक हूँ, दर्द काफी कम है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला 1 महीना लग जाएगा। 1 महीना? अरे बाप रे, और डर्टी डेज। डर्टी डेज क्या? 30 डेज। अरे गुरु की इंग्लिश ही ऐसी है। इतने दिनों में तुम्हें बाहर निकाल लूंगा मैं यहाँ से। मेरे माता पिता का कुछ पता चला? चल जाएगा, तुमने मुझ पे जिम्मेदारी सौंपी है ना, चिंता मत करो। अब गुरु सोए हुए पुलिस वाले जाग जाएंगे, चलो यहाँ। Daddy, you went away without saying a word. I invited you to my house, but you never turned up. Yeah. I'm so eager to see you, sir. Madam, सुनिए, मैं English नहीं जानता। आप जो समझ रही, मैं वो CB officer नहीं हूँ। मुझे ABC भी मालूम नहीं है। ये सब एक नाटक है, madam। क्या? मेरे, एक सच बोलने में तुम इतना घबरा गई। आगे बोला तो क्या होगा? तुम जो सच है वो बोलो। तुम जैसा समझती हो वैसे तुम्हारे पिताजी नहीं है। अन्याय करके एक निर्दोष को उन्होंने फांसी की सजा दिलवाई है। ये मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। तुम्हारी हस्ती, तुम्हारी पोजीशन के आगे मैं कुछ भी नहीं। मैं CBI ऑफिसर हूं, तुमसे झूठ बोला, माफ करना। चलता हूं। वेट अ मिनट। क्या? आई लव यू। मैं फुटपाथी हूं। आई लव यू। मैं अनपढ़ हूं। आई लव यू। मैं सजायाफ्ता हूं। आई लव यू। मैं बेरोजगार हूं। आई लव यू।
मैं ट्यूबलाइट हूँ। I love you, I love you, I love you. Oh, Chitra, you are great. अच्छा, हमारे प्यार के बारे में तुम्हारे गुरु को मालूम है? क्या मेरे गुरु? हाँ। और प्यार मोहब्बत? मेरे गुरु को ये सब नहीं मालूम। उनको बताना मतलब समझो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। पहले उन्हें प्यार करना सिखाऊंगा। क्या हुआ? बे, 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 कुछ नहीं, ऐसा करते हैं हम कल मिलते हैं। बाय 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 बाय। उधर से नहीं, इधर 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 से। बाय बाय बाय। जैसा बोला था वैसे ही मैंने किया। लगता है कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दी। किसने बोला? तेरी हरकत ने। वो तो ड्रामा है या कुछ चक्कर है? प्यार का फॉर्मूला। प्यार का फॉर्मूला? कुतकुती होती है, हाथ हटाओ। बस जरा सी छेड़छाड़ से शादी के बाद ये सब होना चाहिए। शादी से पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा। तुम क्यों दुल्हन जैसी शर्मा रही हो? आई डैडी, आई मम्मी। क्या डैडी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आंख में कुछ पड़ गया था, वही निकाल रहा था। आंख में चोली का खेल खेला होगा। चुप रहो, बच्चे तो ऐसे ही खेलते रहते हैं। इसलिए बिना मतलब के फूफू करता रहेगा। हाँ? तुम चुपचाप उसको यहाँ से लेके जाओ। मुझे मुझे इसके साथ कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छी अच्छी बातें करना। हाँ? चलती हूँ बेटा। टाटा मम्मी। मम्मी नहीं, आंटी। टाटा आंटी। टाटा डार्लिंग। हाथ छोड़। चोर बदमाश मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी से। ओहो, क्यों बार बार दिखाते हो? नगेंद्र वर्मा, इससे भी बड़ा दिखाऊंगा। क्या बड़ा पाव दिखाओगे? सी हियर। बदमाश चोर डाकू पाजी राज परिवार में घुस गया। अरे तुम्हारे मन में क्या है, साफ साफ कहो। मिस्टर नगेंद्र वर्मा, क्यों तुम बार बार मेरा नाम लेते हो? That's my father and mother give that name. Understood. जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। कल मेरा शिष्य बाबू लंदन में बसे हुए करोड़पति राज बहादुर का बेटा बनकर राणा महेंद्र के बंगले में जाएगा। अरे बदमाश, छुड़ा। बाबू वाकई में इकलौता बेटा है राज बहादुर का, ऐसा उन्हें यानी राणा महेंद्र को पूरा यकीन होना चाहिए। अंडरवेयर? अंडरवेयर नहीं, अंडरस्टूड बोलो। उन्हें मेरे बोलने से यकीन होगा? तुम्हारे बोलने से ही होगा। फिर बाबू और चित्रा की शादी होगी, फिर तो हमें लाखों ही नहीं क्यों करोड़ों मिलेंगे। वो शादी करेगा मगर उससे हमें क्या फायदा होगा? सच में पूरे बुद्धू यार। चित्रा राणा महेंद्र की इकलौती बेटी है। जानते हो कि वो राज परिवार है, दौलत की कोई कमी नहीं है। बाबू चित्रा से शादी करेगा तो उसकी सारी दौलत बाबू को मिलेगी और तुम्हें मिलेगा एक चौथाई। चौथा भाग? यानी कि करोड़ों में होगा। अच्छा आइडिया है, मैं कोशिश करूंगा। मगर तुम तो ठहरे टपोरी, मेरा हिस्सा मत हड़प जाना। तुम्हारी बेटी की कसम दे दूंगा। तुम्हारी बात से कुछ याद आया राजा, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। बोलिए ससुर जी। मेरी एक प्रॉब्लम है। सुनो, मेरी तो एक ही बेटी है, तुम ठहरे एक नंबर के लोफर, तुमसे उसकी शादी हो नहीं सकती। इसलिए मेरी बेटी का बड़े खानदान में ब्याह हो जाए, सुख शांति से अपना जीवन गुजारे, इसलिए तुम उसका ख्याल छोड़ दो। एकदम बुद्धू। ये तो जानता हूँ मैं। मेरी बात सुनो बाबू, एक करोड़पति का बेटा है, ये बोलने पर तुम्हें तो एक चौथाई मिलेगा। ये सब कुछ सेटअप मैंने किया है, मुझे कितना मिलेगा? तुमको क्वार्टर मिलेगा। क्वार्टर? क्वार्टर कितना हुआ? हाफ हुआ। हाँ। ये क्या दारू की दुकान का हिसाब है? भाई मुझे भी करोड़ मिलेगा है ना, मैं भी अमीर बन जाऊंगा है ना। जो एक नंबर का लोफर था वो एक नंबर का अमीर होगा ना, बड़ा आदमी। तब तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा और वो मेरे साथ ऐश करेगी और क्या। अरे रे 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 रे, ये सुनकर तो पूरी बोतल का नशा चढ़ गया। अंडरवेयर? अंडरवेयर खुल गई तेरी लॉटरी। क्या ये लंदन वाला है? ऐसा लगता है कहीं मिल चुका। अरे चुप रहे, दुनिया में बहुत से लोग एक दूसरे से मिलती जुलती शक्ल वाले होते हैं। तुम्हें गलतफहमी हुई है। हेलो, आइए। पापा, मीट मिस्टर बाबू। हेलो, वेलकम। थैंक यू। ये है रेखा। हेलो।
ये है मेरे चाचा जी। हेलो, ओ पहुंच नहीं रहा है, परवाह नहीं। ये सूट इंडियन सिल्क। ओ टेलर लंदन का। हमारे बंगले में चित्रा को छोड़कर सब मेड इन लंदन का सामान है। लड़का तो एकदम ठीक है, सुंदर भी है, तुम्हारी जोड़ी भी मिलती है उससे। वो लंदन वाला ही है, करोड़पति भी है, ये बात पक्की मालूम है ना? ओफो, मुझे ठीक से मालूम है, आप चाहे तो पूछताछ कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, चित्रा, डैडी क्या पूछ रहे हैं? कुछ भी नहीं, हमारी जोड़ी एकदम ठीक है ऐसा कह रहे हैं। एकदम फिट ऐसा ही बोलेंगे ना, गलत थोड़ी कहेंगे। नमस्ते नमस्ते। आओ ना कैद्र, क्या बात है? दीपावली आ रही है ना, बहुत खर्चा भी होगा, सोचा आपसे मिलता जाऊं। अरे बाबू साहब, आप कब लंदन से आए? डैडी ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। नागेंद्र तुम इन्हें जानते हो? मैं क्या, यहाँ कोई ऐसा ना होगा जो इन्हें ना जानता हो। इनके डैडी को देखा या ने राजा को देखा, शान बान राजाओं जैसा। इनके डैडी ने मेरी बहुत मदद की है, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे माफिक बहुत लोगों की मदद की है। इनके डैडी का नाम सुनते ही लंदन हिल जाता है। लंदन हिल जाता है? अच्छा क्या व्यापार है? शराब का व्यापार, हमारे यहाँ की देशी दारू जैसा नहीं, फॉरेन विस्की, फॉरेन ब्रांडी, होलसेल व्यापार। बाबू साहब, आपने इंडिया आने से पहले मुझे क्यों खबर नहीं दी? अचानक कुछ काम पड़ गया, यहाँ आते ही चित्रा से मुलाकात हुई, फिर मोहब्बत हो गई, शादी की बात तय करने आया हूँ। ये आपके डैडी को मालूम है? उन्हें नहीं पता, अगर पता चला तो पिताजी बहुत नाराज होंगे और कहेंगे कि भिखारी खानदान में रिश्ता तय किया मैंने। सुनिए मिस्टर बाबू, ऐसी बात मत कीजिए, ये बंगला 9 करोड़ का है, अपनी बेटी के वास्ते बैंक में रखा हुआ 2 करोड़ रुपया है, मिलाकर 11 करोड़ हुआ। ये सब सुनकर होश उड़ गई क्या? नगेंद्र वर्मा, करोड़ों की बात कर रहे हैं ना ये, जरा मेरे बारे में भी नहीं बता दो। ओहो, किस लिए, बिना जाने क्यों बोलते हैं? इनका बंगला ही 140 एकड़ में है, 12 फीट ऊंची, 3 मील लंबी किले की माफिक दीवारें हैं, और उसके चारों ओर अंदर बाहर 100 जवान हमेशा बंदूक लिए पहरा देते हैं। बंगले में कम से कम तो 200 कमरे होंगे। घंटी बजते ही खाना क्योंकि नौकरों को अलग अलग बुलाना मुश्किल काम है ना, इसलिए घंटी बजाते हैं, सबके सब अपनी अपनी प्लेटें लेकर क्यू में आ जाते हैं। क्यू में खड़े होकर मैंने कहीं ना कहीं ऐसा देखा है, पर कहां देखा है। अब क्या है कि 5-स्टार होटल में कभी कभी क्या बोलते बुफे जैसा डिनर होता है। 5-स्टार होटल, एक दिन का खर्च सिर्फ 2 लाख रुपया, एक छोटा राज्य जैसा। अब बोलिए, इनके सामने तो आप लोग भिखारी ही हुए ना? हाँ नरेंद्र वर्मा, अभी तो हम लोग इनके सामने बहुत गरीब हैं, यकीनन भिखारी जैसे हैं, लेकिन कुछ हमारा भी धंधा है, उसमें कामयाब हुए तो समझ लो कम से कम 300-400 करोड़ मिलेंगे। सुनिए सर, मुझे करोड़ों की लालच नहीं, चित्रा से मेरी मुलाकात हुई और फिर प्यार हो गया, इसीलिए शादी की बात करने आया हूं। फिर क्या है, दो प्रेमियों का मन जब एक हो गया तो फिर हमें धन दौलत मापने की क्या जरूरत, आशीर्वाद देना ही ठीक है। नमस्ते, ठीक हो ना? कौन है नहीं जानता, कोई भी हो नमस्ते बोलना चाहिए, कल शायद कोई नया पार्टी बनाकर अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो अब नहीं काम आएगा, अभी से बना गया तो है। वरवधु को बुलाइए। वेलकम वेलकम, आप भी आ गए, खुशी हुई, लंदन का लड़का है, आइए आइए आइए। बाबू मुहूर्त बीत रहा है, मंडप में चले। सुनिए राणा महेंद्र सिंह। बोलो बेटा। उस दिन मैं जल्दबाजी की वजह से खुलकर बात नहीं कर पाया था, शादी होने के पहले कुछ जरूरी बातें करनी है। अब क्या जरूरी बात बाकी है, खुलकर कहिए जी। मतलब वर दक्षिणा, कुछ दहेज देंगे या नहीं? दहेज के बारे में क्या बोलूं, चित्रा मेरी इकलौती बेटी है, उसकी दौलत तुम्हारी ही तो होगी। इस बात पे कैसे विश्वास करूं, आपका संबंध दूसरी औरत से है, कल उसने किसी और बच्चे को जन्म दे दिया तब। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उससे शादी नहीं की, इलीगल है। मतलब रखा है। मिस्टर राणा महेंद्र, हम दोनों अगर प्राइवेटली बात करें तो आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा आइए। ए, पकड़ो इसे।
जरा सुनिए मिस्टर बाबू, फिक्र क्यों करते हैं, जो चाहिए खुलकर कहिए। अभी अपनी पूरी दौलत आपके नाम लिख देता हूँ, पहले शादी कर लीजिए, नहीं तो यहाँ आए हुए मेहमान क्या क्या बातें करेंगे, मेरी मान मर्यादा सब लुट जाएगी। मुझे कार बंगला धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय। तुम्हारे भाई ने सुमन की इज्जत लूटी, चश्मदीद गवाह ड्राइवर था उसको भी मार डाला, तुमने इंस्पेक्टर नगेंद्र वर्मा के साथ मिलकर उस बेचारे मनोहर को फंसा दिया। ये बातें साफ साफ लिखकर तुम अपने लेटर पैड पर साइन करके दोगे तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। कौन है तू, किस लिए ऐसा नाटक खेला? समझदार नाटक खेल रहा हूं ये समझ गए। मिस्टर राणा महेंद्र सिंह, जैसा मैं मांग रहा हूं वैसा तुम लिखकर देने वाले होने, और ना ही मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला हूं जिससे तुम्हारी बेइज्जती होगी। एक बात और जान लो, ना मैं लंदन वाला हूं और ना ही करोड़पति, एक साधारण चोर। अब मेरे बगैर तुम्हारी बेटी नहीं रह पाएगी, अगर तुम्हें उसकी फिक्र है तो जैसा कहा वैसा लिख कर दे दो, तुम्हें तो अपने किए की सजा भोगनी ही होगी। अंडरस्टैंड? आई से गेट आउट, दफा हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। यह है तुम पर मेरा पहला वार, दूसरे वार में तुम कभी बच नहीं पाओगे, दफा हो जाओ। चलता हूं। चित्रा, ये शादी नहीं होगी, मैंने जो तुम्हारे डैडी से मांगा वो देने को राजी नहीं है। बाबू थोड़ा रुको, मैं पापा से बात करती हूँ। पापा, पापा, ये कैसा अन्याय है, मेरी खुशियों में आग न लगाइए, ये जो मांग रहे दे दीजिए। चित्रा तुम चुप रहो, ए दफा हो जाओ, बोला ना दफा हो जा, ए चार फुट ले। अच्छा चलो बाबू, छोड़ो। कहाँ है इंस्पेक्टर वर्मा? अब इस देश में रहना मेरे लिए आफत है, दुबई भाग जाना ही अच्छा है। हेलो, मैं कल्याणी बोल रही हूँ। एन कल्याणी बोलो। एन कल्याणी, तुम कौन हो? मैं मोहन सिंह बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर नगेंद्र कहाँ है? हाँ है। कौन है? मोहन सिंह बोल रहा हूँ। क्यों फोन उठाया? घंटी बजी इसलिए। घंटी बजी इसलिए उठा लिया, दिल्ली गया हूँ ऐसा बोलो। दिल्ली गए ऐसा बोली को कह रही है? दिल्ली गए हुए, दिल्ली गए हुए, दिल्ली गए हुए, दिल्ली गए हुए। सुनो, दिल्ली से फोन आए तो मोहन सिंह को फोन करने को बोल देना। हाँ। डार्लिंग, जोर से मत दबाओ, दर्द होता है। सॉरी डार्लिंग। राधा सच बोलता हूँ, तुम्हारी मोहब्बत ने बिल्कुल अंधा कर दिया है, सिवा तुम्हारे मुझे कुछ भी नजर नहीं आता। अरे बदमाश, तुम्हारी जान की कसम कह रहा हूँ जाने मन, तुम मेरी झूठी कसम क्यों खाते हो? ओफो, देखो मैं तुम्हारा आशिक हूँ। तुम मेरे आशिक हो? फिर क्या तुम्हारी बहन का? तुम तो गीता से प्यार करते हो। क्या, मैं गीता से प्यार करता हूँ? वो इस काबिल है क्या? तुम सच में मुझसे प्यार करते हो ना? तुम्हें अभी भी शक है? मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, इस धरती की कसम, उस आकाश की कसम, उस चांद की कसम, उस सूरज की कसम। इतनी सारी कसमें क्यों खा रहे हो? फिर क्या खाऊं बोलो? एक इंग्लिश किस दो ना। इंग्लिश किस, वो कैसे? दो बदन मिला के बाहों में भर के इंग्लिश चुम्बन, यानी लिप टू लिप। लिप टू लिप, ऐसा क्या? राजा, अरे तुम कहां से आ गई? कहां है वो लिप टू लिप? अरे देखो उससे झगड़ा मोल मत लो, मेरी बात मानो। गीता, गीता सुनो। हटो। देखो बात यह है कि तुम्हारे लिए साड़ी लेने गया था तो इसे भी खरीद लाया, ये दीवाना दिल तुम पे मरता है। सुनो जानू, छोड़ दीजिए इन्हें, इन्हें खुश मत कीजिए, छोड़ दीजिए।
हमारे तीनों बच्चे ठीक से हैं ना? डॉक्टर कंग्रेचुलेशंस, ये करामत रस्सी मुझे दीजिए। मगर किस लिए? इसकी याददाश्त तो लौट आई है। अपने देश के नेता चुनाव के समय अनेक वादा करते हैं, बाद में भूल जाते हैं। उन सबको इस रस्सी से बांध कर उनके किए वादे को याद दिलवाऊंगा। करण सानी, अब राज खोल दो, तुम दोनों को छोड़ दूंगा। चुप बदमाश चोर रास्कल। हाँ, अच्छी तरह होश में आ गया, उसने ठीक बोला तुम्हें। सबर रखो, मेरा जीवन और मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, इससे ज्यादा अब क्या करोगे तुम? नहीं बोलूंगा मैं, नहीं बोलूंगा मैं। ए रास्कल, पार्टनर, मारो नहीं, मार खाकर ये मर जाएगा और राज भी दफन हो जाएगा। फिर तो हम तुम एक दूसरे से शिकवा शिकायत करते रहेंगे और एक दूसरे के सर इल्जाम लगाते रहेंगे। क्या फायदा? इसकी तो याददाश्त आ गई, ये सीधे से राज खोल दे, ऐसा कोई प्लान बनाना पड़ेगा। अब आपके ऊपर है, आप इनकी औरत हैं, प्यार का जलवा दिखाकर इनसे राज उगलवाइए और बाकी जिंदगी इनके साथ खुशी से गुजारिए, नहीं तो क्या होगा? जिंदगी भर तड़पती रहोगी। चलो। ये लोग कितने जालिम हैं। कौन है मेरे बेडरूम में? मुर्दा, मुर्दा, डेड बॉडी, मुर्दा, मनोहर को फांसी हो गई, मनोहर को फांसी हो गई, मुर्दा, अंटोनी, अंटोनी, बस, अंटोनी, उधर देख, उधर देख, क्यों डरते हो? ये मुर्दा है भाई, अरे भाई मुझे देख कर याया चिल्लाओ, मुर्दे को देख कर याया चिल्लाओ, हटाओ इसे, हटाओ इसे, देख कर जाओ, देख कर, बस पुतला है। मुझे मालूम है बॉस। क्या जिंदा है? बटर लेटर तुम ही पढ़ो। दिमाग कमजोर, इसलिए बाप ने पढ़ाया ही नहीं। अच्छी बात है। किसका लेटर है? ए कुत्ते मोहन सिंह, लिखा है। तुम मनोहर को फांसी दिलवाने का सपना मत देखो, फांसी की सजा होगी तुमको। तुम्हारे भाई का दामाद बनने वाला हूँ, मेरा मांगा हुआ दहेज देने के लिए वो मान गया है। अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो, तुम्हारा बाबू। बॉस, कैसा दहेज? कौन है मनोहर? तुम्हारा भाई ऐसा काम करेगा क्या? भाई, ये सब हमारा निजी मामला है, तुम कुछ ना सोचो। इस झगड़े की शुरुआत करवाने वाला बाबू है, वो होगा तभी तो मेरे भैया से दहेज मांगेगा। चित्रा से वो शादी करेगा, उसे गोली मार दूंगा। तुम उसे बांध कर यहाँ ले आओ। बॉस, उस दफा तुमने बोला और मैं ले आया, खुद ही उसके हाथों में पिस्तौल देकर मेरे हाथों से खूब मार खाया। लेकिन इस बार मैं केयरफुल रहूंगा, तुम उसे ले आओ। यस, किस मी। यस। मुर्दा, बॉस। शाबाश एंटोनी, बॉडीगार्ड, सचमुच में बॉडीगार्ड हो, हुकुम बजा लाते हो। सिर्फ तुम्हारी ही रियल बॉडी है, बाकी सब की डुप्लीकेट बॉडी है। मोहन सिंह, इसे तुमने यहाँ क्यों मंगवाया है? इसका भी कारण है ब्रदर, चित्रा इससे बहुत प्यार करती है। आई डोंट लाइक, अगर तुमने मन बदल कर चित्रा के लिए मुझे फंसा दिया तो? क्यों रे, मुझ पर भरोसा नहीं है? इससे हमें मुसीबत होगी, इसे हम छोड़ देंगे तो ये हमें देगा प्रॉब्लम, इसे मार दे तो? मोहन बनो, जब देखो जब खून खराबे की बात, वैसे इसको यहाँ पर उठा लाना अच्छा है, लेकिन इसको तुरंत न मारना। क्यों? करण साहनी पे टॉर्चर करने पर भी राज नहीं खोल रहा। ये बाबू मनोहर का मददगार है, मनोहर साहनी का बेटा है, इसलिए बाबू और साहनी के बीच कोई संबंध है।
इसे भी उस साहनी के पास भेज दो, राज जानने में हमें बड़ी मदद मिल जाएगी। वो कैसे? साहनी मरने वाला है, यकीनन अपने विश्वासी को सारा राज बोलेगा और उसकी बातें हम लोग आराम से रिकॉर्ड कर लेंगे। अरे कमाल है भाई, बहुत दिमाग वाले हो। दिल्ली में 10 बरस सर्विस की है फ्रॉड लोगों के साथ। जगरू। यस बॉस। इसे उठाकर सानी के रूम में डाल दो। ओके बॉस। बॉस मैं भी जाऊंगा। तुम क्यों? मेरे बाप ये सोया हुआ शेर है, अगर ये उठ गया तो तुम्हारे आदमी को मार मार कर कीबा बना देगा। उठने मत देना, तुम जाओ जाओ जाओ। यस किस मी। भाई क्या कॉन्वेंट इंग्लिश बोलता है। ऐसी बात नहीं है, ये मेरे साथ रहकर टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेता है। बाप, बहुत बड़ा पेन है भाई। अरे पेन नहीं, डेन है। यही है मनोहर के माता पिता, उन्हें कैसे भी यहाँ से ले जाना होगा। पहरेदार कितने? 7। हिंदी बोल। 7। हो जा शुरू। मनोहर के माता पिता हैं? हाँ बेटा, तुम कौन हो? हम मनोहर के दोस्त हैं, आप दोनों को ले जाने। अभी तो इनकी तबीयत ठीक। सब ठीक हो जाएगा, आप चलिए। क्यों अमर अकबर अंटोनी, मेरे बॉडीगार्ड बनने का अच्छा ड्रामा किया, मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो तुम? तुम्हें तो कह रहा था कि मोहन सिंह ने बहुत अच्छा बॉडीगार्ड रखा है, वो करण साहनी से जरूर ही राज उगलवा कर रहा है। अरे साहनी को ले जा रहे हैं। पकड़ो, जाओ पकड़ो पकड़ो। अरे बाप रे, अरे कोई है, आओ उसे पकड़ो, उन्हें दौड़ो। जालिमों से हमें बचाया, तुम कौन हो बेटा? मैं तो एक अनाथ हूँ माँ, मेरा साथी बाबू भी अनाथ है।
तुम्हारे बेटे मनोहर को बचाने के लिए तुम दोनों को बचा लाया। अच्छी खबर सुनाई बेटा। उन्होंने बोला था मुझे मनोहर पर ड्राइवर के खून का इल्जाम थोप दिया गया है। 20 बरस हो चुके अपने बड़े बेटे से, हम दोनों को बिछड़े हुए। वो कहाँ होगा, कैसे होगा, भगवान जाने। बेटा तुम सबके साथ ही रहना है। टीचर की बात मानना और इधर उधर कहीं मत जाना। अच्छा अच्छा माँ। डैडी टाटा, मम्मी टाटा, सुमन टाटा। मैंने तुम्हें कहा नहीं खोजा, हर गली हर शहर में अनाथ समझ लिया था अपने आप को। नहीं माँ, आज मेरे माँ बाप मिल गए, अब मैं अनाथ नहीं हूँ। माँ राजा, माँ राजा, माँ राजा, राजा सुनिए जी, अपना बड़ा बेटा राजा मिल गया, उन लोगों के पंजों से हमें बचाने वाला हमारा बेटा राजा है, देखिए ना। बाबा, बाबा ये खुशखबरी पहले अपने दोस्त बाबू को सुनाऊंगा। मैं तुरंत आया। बाबू क्यों गुरु? मेरे माँ बाप मिल गए। हाँ, जिन्हें हमने बचाया था। हाँ, वही मेरे माँ बाप हैं। मनोहर मेरा छोटा भाई है। ऐसा क्या? हाँ, चल चलो। ये माँ है। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा। ये पिताजी है। नमस्ते चाचा जी। इतने वर्षों से मैं तुम्हें ही खोज रहा था। मेरे सामने तुमने मेरे पापा मम्मी को शूट किया था चांडाल। तुम्हें बाबू, बाबू क्यों मार रहा है? जाओ। क्या बोल रहा है गुरु? ये तो खूनी है। नहीं, तू झूठ बोल रहा है। मेरे पापा खूनी नहीं हो सकते। मेरी बात सुन बाबू। नहीं बाबू, मेरे सामने ही इसने मेरे पापा मम्मी को शूट किया था। इसे मारा बिना मैं नहीं छोड़ूंगा। बाबू हट जाओ। बाबू हट जाओ। मेरे दोस्त की बात तो सुन। हट। इन्हें कुछ मत करो। सुनो राजा, रुक जाओ बेटे, मेरी बात सुनो। राजा राजा, खून मैंने किया था। बाबू के माता पिता को शूट किया मैंने ही। हाँ? बेटा तुम आईजी श्रीवास्तव के बेटे हो ना? हाँ। तुम्हारे माता पिता को मैंने शूट किया, खुद तुमने देखा था ना? हाँ। सच में? सच में बेटा, मुझे फंसाने की उन गुनाहगारों की यही असली साजिश थी।
क्या कह रहे हैं? तुम्हारे पिताजी मुझे बहुत पसंद करते थे। उस दिन अचानक मुझे और नागेंद्र वर्मा को बुलाया था। उस दिन राजा को उसके दोस्तों के साथ पिकनिक पर भेजकर मैं ऑफिस पहुंचा। तुम दोनों अफसरों को एक बहुत बड़ा काम सौंप रहा हूं। सुनो, 20 बरस पहले कई करोड़ रुपयों का प्योर सोना एक ग्रुप ने इंडिया में गुप्त रूप से लेकर आया था। स्मगल किए हुए उस सोने को यहीं छुपाकर उस ग्रुप के पांचों आदमी बंबई में सौदा करने के लिए जा रहे थे कि रास्ते में दुर्घटना हुई जिसमें 4 मारे गए। बाकी बचा 5वां बंबई के एक हॉस्पिटल में 20 बरस मौत से जूझते हुए वो मर गया। मरने से पहले उस सोने का राज सालमन नामक आदमी को बता चुका था। अब वो सालमन अपने इलाके में आया हुआ है और करोड़पति राणा महेंद्र सिंह को सारा सोना बेचना चाहता है, ऐसी रिपोर्ट मिली है। अब वो काली पहाड़ी के खंडरों में छुपा हुआ है, ये भी रिपोर्ट मिली है। उसका फोटो, सारी रिपोर्ट्स तुम दोनों ऑफिस से ले लो। 20 बरस पहले के भाव से उस सोने की कीमत आज कम से कम 500 करोड़ रुपए होगी, ऐसी उम्मीद है। अरे बाप, 500 करोड़ रुपए का सोना? बिल्कुल, इसके लिए तुम दोनों को स्पेशल ड्यूटी दे रहा हूँ। इस बारे में अपने डिपार्टमेंट के किसी को भी भनक ना लगे, किसी भी हालत में उसे खोज कर मेरे सामने पेश करो। यस सर। नगेंद्र वर्मा, तुम उस तरफ जाओ, मैं इधर देखता हूँ। सलमान, हैंड्स अप। सलमान, भागो मत, गोली मार दूंगा, रुक जाओ। सलमान, सलमान, सलमान। इंस्पेक्टर, उस सोने के बारे में जानने वाले सब लोग मर चुके हैं। अब मैं मर रहा हूँ। मरने से पहले वो सोना कहाँ रखा है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। वो सोना काली पहाड़ी के खंडर में, आओ बताता हूँ। मिस्टर साहनी, उसने बोला? सालमन ने बता दिया कि सोना कहाँ है। आईजी साहब को बताकर हम अवार्ड पाएंगे। अरे अवार्ड को छोड़ो, सोना कहाँ है ये बोलो। ये मैं आईजी साहब से ही बोलूंगा। यानी तुम मरते दम तक ये वर्दी नहीं छोड़ोगे। साहनी, हमसे बोला तो हम दोनों करोड़पति बन जाएंगे। नहीं बोलूंगा। बोलोगे नहीं तो सोच लो यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। साहनी, नगेंद्र वर्मा तुम्हें मारना चाहता है, मगर हम नहीं चाहते कि तुम ऐसी मौत मरो, इसलिए बताओ सोना कहाँ है, तुम्हें भी हिस्सा मिल जाएगा। तुम जो आईजी से बोलोगे, आईजी से तुम्हें क्या मिलेगा? छोटा सा मेडल, टीवी में तुम्हारी तारीफ होगी, इससे तुम्हें क्या फायदा? आज लोग पदवी के लिए मर रहे हैं क्या, या समाज सेवा के लिए? नहीं, पैसे कमाने के लिए। करोड़ों का माल मिल रहा है और तुम उसे ठुकरा रहे हो। मैंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त जो कसम खाई थी उसे कभी नहीं तोड़ूंगा। दूसरों की बोली बात को दोहराना ही कसम है। क्या मन से तुमने कसम खाई थी? क्यों बेकार की बातें, सीधे सीधे बता सोना कहाँ है, नहीं तो उगलवा लेंगे। मेरी तू जान भी ले ले पर मैं कभी नहीं बताऊंगा। ऐसा भाषण मीटिंग में दोगे तो लोग ताली बजाएंगे, यहाँ बोलोगे तो सर फोड़ देंगे। मौत से कभी डरा नहीं, तुझसे क्या डरूंगा। हमें छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। छोड़ देंगे अगर ये बता दे कि सोना कहाँ पड़ा है। नहीं बताऊंगा, कभी नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा? क्या सत्याग्रह कर रहे हो? इस देश में आजकल सत्याग्रह कर रहे हैं लोग। नगेंद्र वर्मा, तुम अपना काम शुरू करो। भाई, वो शॉक मशीन स्टार्ट करो। क्यों, तुम्हें शौक लगता है? राणा महेंद्र, जरा रुको, मैं एक प्लान बनाता हूं।
राणा महेंद्र, प्लान बन गया, आओ मेरे साथ, बताता हूँ। क्यों करण सहनी, क्या बात है? हैरान हो गया मुझे देखकर। अब देख तुम्हारा नकली चेहरा लगाकर आईजी और उसकी पत्नी को शूट कर दिया। तुम्हें खूनी साबित करने के लिए उसके बेटे को मैंने जिंदा छोड़ दिया। मनोहर, बेटा लुढ़कते हुए आकर बंधी हुई रस्सी खोलने की कोशिश कर। बेटा ऐसे ही बेटा। मनोहर के जेल जाते ही फिर इन लोगों ने हमें खोज निकाला और मार मार कर अधमरा कर दिया। उसी वक्त तुम दोनों ने आकर हमें बचाया। झूठ को सच मानकर मैं गलती कर गया। चाचा जी, मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई बात नहीं बेटा। बाबू के माता पिता का फोन करके मुझे आपसे अलग कर दिया। मेरी बहन की इज्जत लूटकर मार डाला। मेरे भाई को फांसी की सजा दिलवाई। आप दोनों को सताया, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी तुरंत उन्हें खत्म करना होगा। जल्दीबाजी नहीं बाबू, मेरे पिता खूनी है, सब पुलिस मानती है। मेरा भाई फांसी के तख्ते पर खड़ा है। उन दोनों को पहले निर्दोष साबित करना है मुझे, उसके बाद हम निपट लेंगे उन लोगों से। बाबू, मनोहर तुम्हारे माता पिता को ढूंढ लिया है। इतना ही नहीं, बचपन से बिछड़ा हुआ तुम्हारा भाई वो भी मिल गया है। अच्छा, हाँ ये रहा। भैया मुझे भी एक पैक दे। चित्रा, तुम पीती हो, ये अच्छी बात नहीं है। पीना बुरा है ये तू बोल रही है, चल हट। डार्लिंग, 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 तुम्हारी बेटी चित्रा शराब पी रही है। क्या बकती हो? प्रेमी बेवफा हो सकता है लेकिन दारू की बोतल नहीं। इसे पीकर शांति खोज रही हूँ। चित्रा, शराब बहुत बुरी चीज है बेटी। चित्रा, चित्रा, रुको चित्रा। क्यों मेरी राणा, क्या बात है? कुछ नहीं, चित्रा नशे की हालत में कार ले गई है, कहीं एक्सीडेंट ना कर बैठे। आओ बैठो। तुमसे बिछड़ कर जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है बाबू। ए छोड़ो, लो आगे तुम्हारे डैडी, उनसे बोलो अगर ये मेरी शर्त मान ले तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। मुझसे लेटर लिखवाना चाहते थे ना, ये लो। मुझे माना तो फिर तुम्हारी इकलौती बेटी भी मर जाएगी। सिर्फ यही नहीं,
सोने का राज जानने वाला करण साहनी, वो मेरे कब्जे में है। सोना कहाँ छुपा है ये मैं जान चुका हूँ। क्या सोना कहाँ है ये तुम जानते हो बाबू? मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। साहनी का बेटा मनोहर रिहा होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे भाई मोहन सिंह ने उस ड्राइवर का खून किया था, ये तुम्हें लिख कर देना होगा, ये मेरी डिमांड है। वही बाबू ने मांगा ना, सॉरी। सॉरी नहीं, डाउरी। हाँ, डाउरी। हाँ, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो सोना जहाँ है वहाँ खुद मैं ले जाऊंगा। नो नो, तुम दोनों योजना बनाकर हमें फांसना चाहते हो। पार्टनर जरा इधर आओ। क्या पार्टनर, तुम भी? जिस रहस्य को जानने के लिए 20 वर्ष से हम कोशिश करते रहे हैं, वो रहस्य आज आसानी से मिल रहा है, उसे मुफ्त में खो देना चाहते हो तुम? लेकिन ये मेरे भाई की बलि मांग रहा है ना। उल्लू मत बनो, 500 करोड़ का पुराना सोना मिल रहा है, ये जरूरी है या भाई जरूरी है? भाई हो या बहन, दौलत के सिवा आज के जमाने में कोई अपना नहीं। सुनो, तुम भाई को फंसाओगे तो तुम्हें दो फायदे हैं। एक, सोने का हिस्सेदार कम होगा, दूसरा तुम्हारी बेटी की जिंदगी बच जाएगी। ठीक है, लेकिन सोना कहाँ है वो हमें वाकई बता देगा, ये कैसे विश्वास कर लें? ये मुझ पे छोड़ो, किससे अपना काम कैसे निकालना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, इसका तजुर्बा है मुझे। तुम चुपचाप चले आओ। चलो सुनो, इनसे हो गई मेरी बात, ये भाई के खिलाफ बयान देंगे, बाकी बातें भी तुम्हें लिखवा कर दे दूंगा, लेकिन एक कंडीशन है, जिस वक्त सोने के बारे में बताओगे उसी वक्त कागज दूंगा। प्रॉमिस? या ठीक है, कल सुबह 10 बजे आप लोग यहीं पे आ जाइए, मैं ले चलूंगा। चलो। नहीं, सुबह 10 बजे के बाद। बाबू। लो 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 लो। इस टेप को सुनो, तुम्हारा शुभ चिंतक है। इस देश में मेरा भी कोई शुभ चिंतक है। 500 करोड़ रुपए का पुराना सोना मिल रहा है, ये जरूरी है या भाई जरूरी है? हेलो, नागेंद्र वर्मा, मैं मोहन सिंह बोल रहा हूँ। ओह, मेरा सगा भाई मुझे धोखा दे रहा है। तुम्हें अपनी दोस्ती का वास्ता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। सोलोमन ने इसी इलाके में, इस खंडर के पश्चिम में कहीं डब्लू मार्ग बताया था, उसके पास ही वो गुफा है। चलिए खोजते हैं, चलिए। करेक्ट, पश्चिम में ही हमारी मंजिल है। अरे सानी, स्विस बैंक का नंबर तो पता लगा सकते हैं, लेकिन ये डब्लू मार्क हम खोज नहीं पा रहे हैं। सोना इतनी आसानी से थोड़ी मिलता है। राणा महेंद्र, पुराने जमाने में तुम्हारी मूर्ति कितनी अच्छी तरह बनाई है। चुप। बाबू। हाँ, तुम सर पकड़ो। हाँ, आप पूछ पे हाथ रखिए। डब्ल्यू। हाँ, डब्ल्यू मार्क के पास गुफा होगी ऐसा कहा था ना। हाँ। फिर रास्ता कहाँ होगा? इसे घुमाना। क्या हुआ, काम हो रहा है? साँप, साँप, साँप। अरे तुम भी डर रहे हो, मुझे भी डरा रहे हो। डर फोक।
सोना, इतना सोना, सोने का ढेर। अगर पता होता कितना सोना है तो 10-15 बैग और ले आता। राणा महेंद्र सिंह, हमने अपने वादा पूरा कर दिखाया। हम सब बड़े आदमी हैं, हम जबान देना जानते हैं, उसे निभाना नहीं जानते। तब तो सारा सोना हम ले जाएंगे। हम सब शरीफ भी हैं, ऐसी आफत के समय सरेंडर हो जाते हैं। सुनो, मैं इस सोने को पहले अपने महल में ले जाऊं, फिर लिख दूंगा। ये बेकार की बातें मत करो। तुम्हारे भाई के किए हुए खून और लूटपाट सब इसमें लिखा हुआ है, बस इस पे साइन कर दो, फिर सारा सोना ले जाओ। कर दो, लाखों साइन कर दो दोस्त। हंसने वाला तुम्हारा भाई है ना, हमें क्या है? उसके गुनाहों में हम भी तो थे, हम पर कोई आफत आई तो? देखो कितना सोना है, हजारों वकीलों को फीस दे सकते हैं, हर किसी को खरीद सकते हैं भाई, अब हमें कोई आफत नहीं। करो साइन, तुम करते हो या मैं कर दूं? नहीं नहीं, मैं ही करता हूं। अब तो हम इस सोने को ले जा सकते हैं ना? आराम से ले जाओ, मगर उसके पहले दो चार बातें करनी, उसके बाद ये सोना तुम ले जा सकते। अब क्या है भाई, इस सोने के लिए 20 बरस तक तुमने इन्हें खूब सताया, ये कौन है जानते हो? ये मेरे पिता हैं। जिस मासूम लड़के की इज्जत लूट कर तुम्हारे भाई मोहन सिंह ने मार डाला, वो लड़की कौन थी जानते हो? मेरी सगी बहन। उसके कत्ल के चश्मदीद गवाह टैक्सी ड्राइवर को मारकर, उसका इल्जाम मनोहर पर लगाकर, उस निर्दोष को फंसाकर फांसी की सजा दिलवाकर जेल भेजा हुआ मनोहर कौन है जानते हो? मेरा सगा भाई। तुम दोनों भाइयों ने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया, इसका बदला मुझे लेना चाहिए या नहीं? इतना ही नहीं, इनके जैसा मास्क मुंह पे लगाकर मेरे डैडी आईजी श्रीवास्तव और मेरी मम्मी को मेरी आंखों के सामने शूट किया, याद है ना? कि याद दिलाऊं? इसने इतना बड़ा पाप किया है क्या? ये जानता तो इसके साथ धंधा मैं कभी नहीं करता। राणा महेंद्र, हमारा पार्टनरशिप अभी खत्म हो गया, मैं थोड़ा सा लेकर यहाँ से जाऊँ। कोई यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, सारा सोना और तुम्हें पुलिस को सौंप देंगे, तुम्हारे किए गए गुनाहों की सजा कोर्ट देगी। मेरी बात सुनो, ऐसा करते हैं, इसके 4 हिस्से, नहीं नहीं 5 हिस्से कर लेते हम लोग। आ जाओ। हम लोग आपस में लड़ रहे थे इसलिए ये ऊपर से आ गए, अब तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा। मैं पार्टी बदल रहा हूँ, ऊपर आ जाऊं मैं? तुम्हें तो पहले मारूंगा, पूरा सोना बटोर लो। पहलवान, मैं बास होकर मार खा रहा हूं और तुम मुर्गी खा रहे हो और दारू भी पी रहे हो, जाओ मारो उन्हें, जाओ।
दुनिया के टूर पे जाऊंगा। अरे बदमाशों, इतने बम फेंके फिर भी तुम लोग मरे नहीं। या वहां बच गए तो क्या, अब देखो। यस किस मी, यस सर, लुक बैक, मेरे पीछे बे। शाउट अप, मुझे नहीं से इसे। तुमने अपने डैडी को अरेस्ट किया, इसलिए सरकार तुम्हें गोल्ड पेडल देगी। अरे गोल्ड पेडल नहीं, गोल्ड मेडल। इधर जाओ। भाई चाहे थोड़ा लेट हो जाए पर न्याय और सच्चाई जीतती है। वादे के मुताबिक तुम्हें बाहर ले आए। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं, यानी जुल्म के बादशाह।